हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन्स फेवरेट फूड। आज की हमारी डिश है सर्दियों वाली स्पेशल चाय। थोड़ी सी डिफरेंट बनती है, बहुत बहुत यम लगती है। सर्दियों में चाय पीना किसको नहीं पसंद होता, बहुत बहुत यम लगती है। मुझे अपनी मम्मा के हाथ की तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम 1.5 कप भरकर पानी ऐड कर देंगे। पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अब इस पानी को हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच चीनी। चीनी अवॉइड कर सकते हैं वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच शक्कर, या फिर आप जर्जर यूज़ कर सकते हैं, मतलब गुड़ यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम बॉईल होने देंगे इस तरह से। और जब ये बॉईल हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे हम दूध। अभी मैंने कोई जिंजर या फिर इलायची वगैरह इसमें ऐड नहीं की है, दूध ऐड किया है सीधे। और इसको अभी हम पकने देंगे। मैंने आधा कप दूध लिया है, आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। चाय में दूध डालने के बाद इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे हम, इसमें उबाल आने देंगे। उससे पहले हमें अदरक या फिर कोई इलायची वगैरह इसमें ऐड नहीं करना है, बिकॉज ऑफ गुड़िया शक्कर वाली चाय में अगर आप अदरक को पहले ऐड कर देते हैं तो दूध के फटने का डर होता है, चाय के फटने का डर होता है। तो जो अदरक है उसको बाद में डाला जाता है इसमें। अब चाय में इस तरह से अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर। जिंजर को मैंने ग्रेटर की हेल्प से इस तरह से स्पून में निकाल लिया है, ग्रेट करके। आप चाहे तो उसको कूट कर भी डाल सकते हैं, मैं मोस्टली ग्रेट करके ही ऐड करती हूँ। आप चाहे तो इसमें तुलसी लीव्स और इलायची भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अमेजिंग लगती है। मोस्टली लोग इलायची की चाय पीना पसंद करते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ इलायची। आप चाहे तो डाल सकते हैं। इस तरह से इसमें 1 से 2 उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। मोस्टली गर्मी में जो चाय बनती है और सर्दियों में चाय बनती है, और आप सिंपल सिर्फ चीनी की चाय बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। गर्मियों में अलग होता है और सर्दियों में अलग होता है। लेकिन जब सर्दियों में थोड़ी सी इस तरह से चाय बनती है तो वो बहुत बहुत अमेजिंग लगती है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। सर्दियों में सिर्फ अगर चीनी की चाय बनते हैं तो वो बहुत पतली लाइक पानी जैसा फील होती है, बिल्कुल भी मतलब थिकनेस नहीं होती उसके अंदर। इस तरह से बनाएंगे तो चाय का जो फ्लेवर है वो एकदम डबल हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं इस चाय की फ़ैन हूँ, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। जो भी लोग चाय पीते हैं सर्दियों में, मोस्टली लोग घर में चाय पीना पसंद करते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट्स।